दोनों हाथ से बहुत ही, और साफ सफाई करने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम लोग इसे कुनरू ही कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। दौड़ेंगे भी यहाँ पे, देखिए पहले दिखाते हैं आप लोगों को। नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को इतना अच्छा खेत दिखाएंगे, दोस्तों इतनी अच्छी सब्जी फरी हो तो हमारे चैनल आप लोग अभी देखे नहीं होंगे, आज पहली बार मैं देखी हूँ, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक लगते रहिएगा। तो खेत के ये देखिए दरवाजा बना हुआ है, इसी से आएंगे छोटा सा। सबसे पहले आप लोग खेत देख लीजिए, इतना बड़ा खेत है और बहुत ही अच्छा दोस्तों फरा है। अभी दिखाएंगे आप लोगों को, पहले खेत देख लीजिए। तो अब आप लोग कुनरू देख लीजिए कितना ज़्यादा फरा हुआ है, ऐसे ही पूरे खेत में अभी आप लोग दिखाएंगे। तो चलिए इसे हम एक दो तोड़ लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही आराम से टूटता है। तो आज एक कुनरू टूट रहा है तो हम भी आएंगे हैं, चलिए अपने के डिलाई नहीं लेकर आए, इसी में हम भी तोड़ेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। तो दीदी अकेले तोड़ रही हैं, और दीदी अकेले पूरा तोड़ी है, तोड़ी है तो उसे आधा आज टूटी आधा कल टूटी। तो दोस्तों इतना ज़्यादा फरा हुआ है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि अकेले तोड़ पाएंगे, करें आधा हम तोड़ लेंगे आज। तो झल रहा दोस्तों बहुत बहुत ऊपर भी है और बहुत नीचे भी है, तो थोड़ा सा हम झुक कर तोड़ेंगे दोनों हाथ से। बहुत ही आराम से टूट रहा है और जो झल रहा जो है बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहा है। तो चलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी तोड़ेंगे। तो थोड़ा सा झुक कर हम झलरे के नीचे नीचे जो है डोलेंगे और तोड़ेंगे भी यहाँ पे, देखिए पहले दिखाते हैं आप लोगों को। आप लोग को दोस्तों अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो इतना दोस्तों फरा हुआ है, मन कर रहा है कि इतना सारा एक साथ में तोड़ लूं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही ओजनी भी रहता है ये कुनरू। तो हम लोग इसे कुनरू ही कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। दोनों हाथ से तोड़ रहे हैं क्योंकि जो है बहुत ही अच्छे से आराम से टूट रहा है ये। इसमें भी दोस्तों ये देखिए, आप पहले दिखा देते हैं उसके बाद देते हैं। देखिए पक गया है, खराब हो गया है। तो हम घूम घूम कर तोड़ रहे हैं, हल्की हल्की धूप है, ज्यादा धूप भी नहीं है इस समय। तो आए हैं दोस्तों, एक कम से कम 3 बज रहा है इस समय। ऐसा कुनरू दोस्तों जो है बिल्कुल जितना जब फरा हुआ है सब लटका हुआ है, तो आराम से एक भी कुनरू जो है इसमें छिपेगा नहीं, सब मिल जाएगा। तीन तीन चार चार एक साथ ही तोड़ते हैं। तो जो झलरा वाला दोस्तों सब्जी होता है, एक बार उसे मेहनत करके चढ़ा देते हैं तो बाद में तोड़ने में भरने में और साफ सफाई करने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए आप लोगों को फूल दिखाते हैं ऊपर। तो कुनरू का फूल दोस्तों एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता है, बहुत ही बढ़िया, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए धीरे धीरे जब फूल जो है सिकुड़ेगा, और देखिए इधर से कुनरू फर गया है बहुत ही छोटा। तो ऊपर आप लोग देख लीजिए पूरा एकदम मड़वा की तरह छाया हुआ है, एकदम हरा हरा फैला हुआ है इसका। तो बहुत ही बड़ा बड़ा दोस्तों इसका पेड़ नहीं रहता है, और देखिए गवा जो है फैला हुआ था है उसी में फरा रहता है, देखिए इसी तरीके से। तो देखिए आप लोग जड़ देख लीजिए, 2-3 भी ये दोस्तों बोया गया है उसी से। देखिए गवा जो है इसे कपड़े से इसी से ऊपर चढ़ाया गया है। तो देखिए इसमें हम भर रहे हैं, सभी एक जैसा है। तो नीचे नीचे भी दोस्तों कुछ भी बो सकते हैं, देखिए ककड़ी बोया गया है, फुला रहा है, और हम इसमें बैठे हुए हैं, बैठकर यहाँ पे बहुत नीचे है तो बैठकर तोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कम से कम 50 ठे है इतने ही जगह में।
तो मन कर रहा है दोस्तों यहीं पे खाना बनाओ, यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो कुनूर दोस्तों देखिए सब ही एक बराबर है, कहीं छोटा बड़ा नहीं है और एक जैसा हरा है। तो देखिए इतना हमने तोड़ा हुआ है, तो हम तोड़ रहे हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, सरो देख ली कितना ज़्यादा फरा हुआ है इस तरीके। तो ज़रूरत के हिसाब से हमने तोड़ लिया है, अब हम चलेंगे घर पे। चलिए बाहर निकलते हैं झल रही में से। तो इस तरीके से हम निकलेंगे। तो इतना ज़्यादा दोस्तों फरा हुआ है, छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो आप लोग हम चल रहे हैं घर पे, आप लोग हमारा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो कुनरू लेकर आ गई हूँ मैं घर पे। देखिए ईटा का चूल्हा बना हुआ है, अब इसे अगल बगल में अच्छे से झाड़ू मार लेते हैं। थोड़ा सा मोटा लेव लगाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आग था, तो इसे हम थोड़ा सा ऊपरी तोड़ कर डाल देते हैं। ये आग धीरे धीरे सुलग कर बनता रहेगा। तो पानी अच्छे से हम धोएंगे। तो सूखे सूखे देखिए कुनरू का फूल है, इसे पहले निकाल देते हैं, उसके बाद हम इसे साफ करेंगे। तो एक भी कुनरू खराब नहीं है, सभी बहुत ही अच्छे हैं। और फूल हमने निकाल कर अच्छे से ये देखिए मल लिया हुआ है, अब दूसरे बर्तन में रखेंगे। तो इस थाली में हम धोने के बाद रखेंगे। तो अभी एक पानी हम और धो लेंगे इसमें से। तो कुनरू को अच्छे से साफ करने के बाद अब इसे हम काटेंगे। देखिए दोनों साइड थोड़ा थोड़ा हम काट लेंगे। तो दोनों साइड काटने के बाद इसमें बीच में हम दो चीरा लगाएंगे, पूरा एकदम से नहीं काटेंगे। तो देखिए इस तरीके से। देखिए हल्का हल्का इसे इस तरीके से हम चीरा लगा देंगे। तो इस तरीके से हम काट दे रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया से देखिए कट रहा है और अलग भी नहीं हम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसी तरीके से सब काट रहे हैं। पूरा हमने काट लिया हुआ है, चलिए आप लोग दिखाते हैं कि देखिए अंदर और लाल है इस तरीके से और औंठनी में हरे हैं। तो दोनों है मिक्स, बहुत ही अच्छी दोस्तों सब्ज़ी बनेगी। देखिए सारे जो है हमने काट लिया हुआ है। तो पहले से हमने आग को सुखा दिया था, तो देखिए काफ़ी जो लकड़ियाँ गर्म हो गई हैं, तो हम इसे जलाएंगे तो अच्छे से जलेगा। तो पहले से हमने जो लगा दिया था, देखिए काफ़ी सूखा सूखा है। तो अब हम चूल्हे पर रखेंगे तावे बड़े की। तो तावा हमारा गर्म हो रहा है, इधर मैं देखिए था प्याज के छिलके उतार रही हूँ। तो तावा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो सब्जी ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालेंगे। तेल को भी अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देते हैं कुनरू। कुनरू को तो बहुत ही अच्छे से गर्म है, बहुत अच्छे से तल लेंगे हम, एक साथ में डाल देंगे हम। तो अच्छे से तल लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। पहले से अच्छे से तलने देते हैं, बार बार इसे मतलब चलाते रहेंगे जैसे जले ना। देखिए हल्का हल्का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे ही करेंगे हम, इसलिए चला रहे हैं। इस तरफ कुनरू हमारा पक रहा है, इस तरफ हम मसाले को तैयार करेंगे। तो देखिए टमाटर को हम पीसेंगे, तो थोड़ा थोड़ा छोटे काटेंगे तो पीसने में आसानी होगी। तो अब हम पीसेंगे। तो बीच बीच में देखिए हम चला रहे हैं, इसका देखिए जल नहीं रहा है, कलर बहुत ही अच्छे से जो है चेंज हो रहा है, माने ये पक रहा है। तो हल्का से पकने के बाद इसमें हम हल्दी छिड़क देंगे ऊपर से, अच्छे से कलर आ जाएगा। तो हल्दी डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला देते हैं, अच्छे से मिलाने के बाद इसे ऐसे पकने देते हैं, ढकेंगे नहीं, नहीं ढकेंगे तो गल जाएगा। तो जो पीसा हुआ है उसे हम थाली में उठा लेते हैं। तो अब हम प्याज को पीसेंगे, तो इसे भी छोटे छोटे काट लेते हैं। तो प्याज हमने पीस लिया है, लहसुन अदरक और मिर्ची को भी पीस लेते हैं। तो सारे मसाले को हमने पीस लिया हुआ है, उसे हम उठा लेते हैं। तो अच्छे से देखिए हमने तल लिया हुआ है, अब देखिए एक साइड में कर देंगे जो तेल इतना है, तो बीच में हो जाएगा, उसके बाद हम निकालेंगे। तो
ऐसे ही है, दो मिनट हम छोड़ देते हैं, तेल जो है चला जाएगा बीच में कुनरू में से निकल कर। तो कुनरू में से तेल निकल के देखिए बीच में चला गया है तावे पे। तो चलिए हम कुनरू को अब निकाल लेते हैं जैसे जो मसाले हम अच्छे से पका पाएँ। देखिए सारे कुनरू को हम थाली में निकाल लिए हैं। तो उसी तेल में हम जीरा का तड़का लगा देते हैं और तेज पत्ता डाल देते हैं और जीरे को अच्छे से चटकने देते हैं। तो अब हम पीसे हुए मसाले को डाल देते हैं जीरा चटकने के बाद। देखिए हल्का से इसे पका लिया है, अब हम डाल देते हैं इसमें सूखे मसाले। तो ये सब्जी मसाला इसे डाल देते हैं और धनिया पाउडर। तो सूखे मसाले में हल्का से डाल देंगे पानी और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। तो हल्का से हमने पानी डाल दिया है तो मसाला जलेगा नहीं और अच्छे से पक जाएगा। मसाला अच्छे से पक गया है, देखिए तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लास्ट में टमाटर। तो अब हम टमाटर को भी अच्छे से पकाएंगे। तो आज को हमने धीमी कर दिया हुआ है, अब इसमें लाल मिर्चा डाल देते हैं, एक तीखा नहीं है, इसे डालकर हम अच्छे से मिला देंगे। तो मसाला अच्छे से पक गया है तो अभी डालेंगे हल्का सा पानी। पानी डालकर भी पानी को हल्का सा उबाल आने देते हैं। तो मसाला भी ग्रेवी भी हमारी बहुत ही अच्छे से पक गई है, देखिए और धीमी धीमी आंच में हमने पकाया हुआ है। बहुत ही अच्छा दोस्तों कलर आया हुआ है हमारे मसाले में। तो अब देखिए कुनरू को हम सारे डाल देते हैं। तो कुनरू डालकर हम अच्छे से मिलाएंगे। तो इस समय हल्का सा आँच हम तेज करेंगे। अब तो अब हमने आँच को तेज कर दिया हुआ है, अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर अच्छे से मिला देंगे और आँच को थोड़ा सा तेज भी रखेंगे जैसे जो है मसाला जो है बहुत ही अच्छे से कुनरू में हमारे हो जाए। एक बार जो नमक जो पानी छोड़ेगा तो बहुत ही अच्छे से जो है मसाला जो है घुसेगा इसके अंदर। तो जो है टाठी में हमने सब्जी को निकाला हुआ था उसी टाठी में हम आटे को सानेंगे। तो देखिए हमने आटा लिया हुआ है, इसमें हम डालेंगे नमक। तो मोटी दोस्तों मोटी कचौड़ी बनाएंगे बड़ी सी, इसलिए हमने नमक डाल दिया, थोड़ा सा लगेगा नहीं करना नमक। और देखिए तेल को डाल देते हैं, तेल को अच्छे से मिलाएंगे। तो अच्छे से हमने तेल को मिला लिया हुआ है आटे में, अब इसमें हम डालकर पानी गूंदेंगे। तो आटे को हमने तैयार कर लिया हुआ है, चलिए अब सब्जी को देखते हैं। तो कुनरू सब्जी हमारा बनकर तैयार हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, खुशबू भी बहुत ही अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आप लोगों को तोड़ कर दिखाते हैं कितने अच्छे से पका हुआ है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पका हुआ, तो देखिए बहुत ही अच्छे से पका हुआ है इसी तरीके से दोस्तों, धीमी आंच में हमने पकाया हुआ। चलिए अब इसे निकाल देते हैं, इसे काटेंगे नहीं, इस तरीके से ऐसे ही रहने देंगे, कलौजी तरह ऐसे लगेगा ये। तो आप लोग को हमारा सब्जी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। देखिए जो सब्जी जो बना हुआ है दोस्तों, इसे थोड़ा सा हम निकाल कर देंगे, एक चाची हैं और उसके बाद हम बनाएंगे कचौड़ी। सब्जी ढेर सारा बनाएंगे दोस्तों, ख़राब नहीं करते हम, किसी न किसी को दे देते हैं। तो चलिए अब कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बड़ी सी कचौड़ी बनाएंगे, इसलिए देखिए ढेर सारा आटा लिया हुआ है। तो हाथों में हल्का सा हम रिफाइन लगा कर इसे हम बड़ा करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम बड़ा करेंगे, इस तरह भी हल्का सा तेल लगा लेते हैं। तो बड़ा हमने कर लिया हुआ है, तो देखिए ज़्यादा मोटा नहीं है इस तरीके से। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा होल बनाएंगे जैसे जो कचौड़ी मारे अच्छे से पके। तो अब हम तावे पे हम डाल देते हैं रिफाइन का तेल। तो तावे पे हम कचौड़ी को हम डाल देते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पकेगा, जो हमने होल बनाया हुआ है उसमें देखिए बहुत ही अच्छे से पक रहा है। और हल्का सा ऊपर से हम तेल छिड़क देंगे और आज को हम धीमी रखेंगे जिससे अच्छे से हमारा ये पके। तो इसे धीमी आंच में पकने देते हैं, अब दूसरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कचौड़ी को जो है पलट देते हैं। तो देखिए इस साइड बहुत ही अच्छा से पका हुआ है, अब इस साइड भी अच्छे से पकने देते हैं। और चलिए जो बना रहे हैं इसे बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम बड़ा करते हैं अब।
अच्छे से गुदा हुआ है तो बहुत ही अच्छे से देखिए फैल रहा है। तो अच्छे से हमने देखिए कचौड़ी को बना लिया हुआ है। अब देखिए इस तरीके से बेलना से बना देंगे, हम इस तरीके से बना देते हैं तो बहुत ही अच्छे जो है पकता है। बहुत ही अच्छे दोस्तों कचौड़ी हमारा पक गया है, देखिए आवाज दे रहा है अभी साइड भी। तो चलिए इसे हम उतार देंगे, धीमी आंच मगर पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पकेगा। दूसरा कचौड़ी हमने डाल दिया है, ये भी देखिए बहुत ही अच्छे से पक रहा है और धीमी आंच में इसे हल्का सा पकने देते हैं। तो उस साइड हमारा अच्छे से सीख चुका है, इसे पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से साइड कलर आया हुआ है, हल्का सा हम तेल डाल देते हैं किनारे किनारे। तो ये भी हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया, इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये लास्ट इसे हम डाल देते हैं, चलिए खाने को परोसते हैं। तो चलिए हम खाने को परोस लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा दोस्तों हमने बनाया हुआ है, इसे आप लोग कलौजी भी कह सकते हैं और सूखी सब्जी भी कह सकते हैं। तो देखिए कचौड़ी वाली ठंडी हो गई, इसे हम तोड़ते हैं। बहुत ही अच्छे दोस्तों देखिए पका हुआ है, देखिए एकदम सूखा सूखा लग रहा है। देखिए इसे बहुत बढ़िया, बहुत ही मुलायम भी है, हमने तेल इसमें डाला हुआ था आटा गूंथते समय। देखिए आप उन लोग को दिखाते हैं, ये देखिए बहुत ही मुलायम खस्ती है। तो खाने के देखिए मैंने इस तरीके से परोस लिया है। तो आज हमने कुनरू का दोस्तों सूखी सब्जी बनाया हुआ है, एकदम कलौजी जैसा है, बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा पका हुआ है। इसमें हल्का हल्का हमने टमाटर डाला हुआ है, ऊपर दिख रहा है बहुत ही बढ़िया। उसके साथ मैंने बनाया मोटी कचौड़ी, बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, कुरकुरी है। तो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारा वीडियो आप लोग लास्ट तक लगते हैं इसलिए आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये मम्मी देंगे खाने के लिए और पापा दोपहर में खाते हैं तो भी खाएंगे। जैसे